गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि चैप्टर वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 से लिया है, इस न्यूमेरिकल को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड द न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में मैंने एक आर्टिकल आपके साथ डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसी के ऊपर ही कुछ बेस्ड है ये न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अभी जब मैं कमेंट्स में देख रहा था तो एक स्टूडेंट आदित्य की रिक्वेस्ट आई थी कि सर इस न्यूमेरिकल को प्लीज़ सॉल्व किया जाए, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैं ये न्यूमेरिकल आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और जल्दी ही इसकी वीडियो मैं आप तक शेयर कर दूँगा। तो क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज़ फॉर एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट वट एंगल विद रिस्पेक्ट टू द डाइपोल मूवमेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मूवमेंट। दोबारा से देखेंगे इस स्टेटमेंट को, क्या कह रहा है वो हमें। फॉर एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपके पास एक आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल है। फॉर एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट वट एंगल विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल मूवमेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मूवमेंट। मतलब क्या वो एंगल हो, क्या वो एंगल बनाए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल वो परपेंडिकुलर हो जाए किसके, डाइपोल मूवमेंट के। तो इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू देना चाहूँगा, क्योंकि उसी के ऊपर ही ये बेस्ड है, वहीं हमें इसका आंसर मिलेगा। तो मैं एक बार आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने क्या देखा था बेटा, कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल ए एंड बी, दिस इज चार्ज माइनस क्यू, दिस इज चार्ज प्लस क्यू, और डाइपोल मूवमेंट जो पी थी वो इस डायरेक्शन में थी। मैं आपको हल्का सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का, क्योंकि इसका आंसर वहीं से ही हमें मिलेगा। तो वहाँ पर मैंने एक डाइपोल लिया था, दिस इज द डाइपोल ए बी विच कंसिस्ट्स ऑफ टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, हैविंग द डाइपोल मूवमेंट इज पी फ्रॉम ए टू बी। आपको ध्यान होगा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर हमें फाइंड आउट करनी थी, और प्रॉब्लम ये थी कि ये पॉइंट ना तो एक्सेल पे था और ना ही इक्विटोरियल पे था, तो कैसे करें। तो आपको ध्यान होगा मैंने इस डाइपोल को हल्का सा रोटेट किया था, और एक रोटेट किया था एक सर्टेन एंगल थीटा से, और इस तरह रोटेट किया कि के पॉइंट उसके एक्सिस में लाइस कर जाए। तो जब इस डाइपोल को, आपको ध्यान होगा मैंने रोटेट किया था, तो दिस इज ए वन एंड दिस इज बी वन, दिस इज ए वन एंड दिस इज बी वन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तो दिस इज ए वन एंड दिस इज बी वन, तो इट मेक्स एन एंगल से थीटा। तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने यूज़ की थी, कौन सी, एक्सियल की यूज़ की थी, जो कि रिजल्ट क्या था, 2p अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये रिजल्ट हमने इसमें यूज़ किया था। लेकिन आप ध्यान दें कि डाइपोल मोमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दिस इज डाइपोल मोमेंट पी, तो यहाँ जो बनेगा दैट इज पी कॉस थीटा, तो यहाँ पे पी कॉस थीटा हम यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने डाइपोल को फिर दोबारा से रोटेट किया, डाइपोल को एक सर्टेन एंगल से, सो दैट दिस पॉइंट इज लाइज ऑन द इक्विटोरियल लाइन। तो ये वो डाइपोल था हमारे पास, दैट इज ए टू
एंड बी टू। तो यहाँ पे इक्विटोरियल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी वो ये थी हमारे पास ई इक्विटोरियल की, दैट इज पी आवर 4 pi epsilon naught r³। बट ये जो डाइपोल है, दिस इज द ओरिजिनल डाइपोल हैविंग द डाइपोल मोमेंट इज पी, तो यहाँ पे बनेगा पी कोस थीटा एंड यहाँ बनेगा पी साइन थीटा, तो यहाँ पे आएगा पी साइन थीटा क्योंकि डाइपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट इसके अंदर आएगा, दैट इज पी साइन थीटा अपॉन 4 pi epsilon naught r³। और फिर आपको ध्यान हो कि मैंने जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, दिस इज ई नेट, वो आई थी एंड इट मेक्स एन एंगल अल्फा। वो जो ई नेट आई थी आपके पास वो आई थी रूट ऑफ ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ई इक्विटोरियल का स्क्वायर। ये हमने रिजल्ट निकाला था और हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया था उस केस में वो आया था पी अपॉन 4 pi epsilon naught r³ रूट ऑफ 3 cos² θ + 1। ये हमारे पास ई नेट आया था अगर आपको ध्यान हो तो। एक रिजल्ट हमने और भी निकाला था, अगर मैं यहाँ से टेंजेंट अल्फा लूँ, दिस इज द परपेंडिकुलर वी हैव टू ड्रॉ, वहाँ पे हमने ड्रॉ किया था। तो अगर मैं टेंजेंट अल्फा लूँ तो टेंजेंट अल्फा इज व्हाट, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर, दिस इज 90 डिग्री। व्हाट इज परपेंडिकुलर, दैट इज इसको मैं अगर मान लेते हैं एच कह दूं और इसको एम कह दूं, तो एच एम अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज के एच, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ व्हाट इज बेस, दैट इज के ई। नाउ व्हाट इज एच एम, व्हाट इज एच एम, आप ध्यान से देखिए एच एम जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, ई इक्विटोरियल को, तो दैट इज पी साइन थीटा अपॉन 4 pi epsilon naught r³ डिवाइडेड बाय के ई। के ई किसको डिनोट कर रहे हैं, एक्सियल को, तो दैट इज 2 pi cos θ अपॉन 4 pi epsilon naught r³। तो ये हमारे पास आया था टेंजेंट अल्फा, दिस विल बिकम इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो अब आप देखें ये सारे कट जाएंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया था टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan θ। ये दो रिजल्ट मैंने उस आर्टिकल में आपके साथ डिस्कस किए थे, एक तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मेरा आया था पी अवर 4 pi epsilon naught r³ रूट 3 cos² θ + 1, दूसरा टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan θ। तो यहीं पे ही हमारा आंसर छिपा हुआ है। तो आप ध्यान से देखें क्या था, फॉर एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर मैं एक आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल लूँ, दिस इज द आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वो कह रहा है इस आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए मैं क्या एंगल रखूँ, एट व्हाट एंगल विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल मूवमेंट, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरी परपेंडिकुलर हो जाए किसके, डाइपोल मूवमेंट के। तो आप ध्यान से देखें आपकी डाइपोल मूवमेंट क्या है, ये है डाइपोल मूवमेंट, ओरिजिनल डाइपोल मूवमेंट जो डाइपोल की थी वो इस तरफ थी, ये रही आपकी डाइपोल मूवमेंट और ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रिक, इसका मतलब दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज एंगल अल्फा। दोबारा ध्यान से देखें, क्वेश्चन है आपका फॉर एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट व्हाट एंगल विद रिस्पेक्ट टू द डाइपोल मूवमेंट, एक आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए मैं क्या एंगल रखूं विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल मूवमेंट, कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो किसके, डाइपोल मूवमेंट के। तो आप ध्यान से देखें ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये है आपकी डाइपोल मूवमेंट। मैं क्या करूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके परपेंडिकुलर आ जाए, तो आप ध्यान से देखिए दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज एंगल अल्फा। तो अगर थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री हो जाए, इफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अब ध्यान से देखें अगर थीटा प्लस अल्फा को मैं 90 डिग्री कर दूं तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी ई नेट वो मेरी इस डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर मैं थीटा प्लस अल्फा को
90 डिग्री कर दूं, तो आप ध्यान से देखें कि मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज थीटा एंड दिस इज अल्फा, तो अगर ये थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री हो जाए तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी खड़ी हो जाती है। दोबारा देखें, दिस इज थीटा और दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, इफ थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री, तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सीधी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इफ थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट। एक ही कंडीशन है कि अगर थीटा प्लस अल्फा, देखिए दोबारा से, दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज एंगल अल्फा, ये रहा वो अल्फा, दिस इज अल्फा, अगर थीटा प्लस अल्फा को मैं 90 डिग्री कर दूं ऐसे, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी बिल्कुल सीधी हो जाती है। थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री देन ओनली इन दैट केस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा जब जब आपका 90 डिग्री होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन था कि तो बताएं वो एंगल क्या होगा, मुझे थीटा फाइंड आउट करना है, यहां से ये वो एंगल होना चाहिए। तो टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, तो ले tan of theta plus alpha is equal to tan of 90 degree. Now what is tan of theta plus alpha? That is tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B. That will become equal to sin 90 by cos 90 degree. ऐसा हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? This is because tan of a plus b, इसका फॉर्मूला लगाएंगे क्या होता है, दैट इज tan a plus tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला मैंने इसमें यूज किया है। तो कितना आया आपके पास, tan theta plus tan alpha डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan theta tan alpha। Now what is sin 90? That is 1, this is 0. Now cross multiply करें, cross multiply, इन दोनों cross multiply करेंगे तो ये 0 यहाँ multiply हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो आपके पास देखिए क्या result आ रहा है, 1 minus tan theta into tan alpha, that will become equal to 0. तो आपके पास result क्या आया, 1 minus tan theta into tan alpha, that will become equal to 0. तो यहाँ से आप देखें तो आपके पास आएगा tan theta into tan alpha is equal to 1. This is equation number 1. मैं इसको equation number क्या कह देता हूँ, 1 कह देता हूँ। अब आप ध्यान से देखेंगे, now मेरे पास आ गया tan theta is equal to into tan alpha is equal to 1. Now इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा था, पुट द वैल्यू ऑफ tan अल्फा इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ tan अल्फा इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट, अब हम सबको पता है कि tan अल्फा कितना है, 1 बाय 2 tan थीटा, मैंने अभी बताया, तो यहां पुट करेंगे तो tangent थीटा tan अल्फा की वैल्यू पुट करें, 1 बाय 2 tan थीटा, that will become equal to 1, तो इसका मतलब 1 by 2 tan square theta is equal to 1, तो tan square theta is equal to 2 और tangent theta is equal to 2 square root 2 और theta कितना आ गया आपके पास, tangent inverse root 2, इसका मतलब अगर theta की value tangent inverse root 2 कर दी जाए तो इतनी वैल्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ थीटा इज टेंजेंट इनवर्स रूट टू, ओनली इन दैट केस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट। तो यही वो
एंगल है जिसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है किसके, डाइपोल मोमेंट के। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई बहुत बार इसको आपके एग्ज़ाम में पूछ चुकी है, तो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर मैंने आज इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कॉमेंट्स को जब फॉलो कर रहा था तो इस तरह की रिक्वेस्ट आ रही थी, और मेरे एक प्रिय स्टूडेंट आदित्य ने कॉमेंट्स किया कि सर इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करवाया जाए, तो आज उन्हीं की ही रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जल्दी ही आप तक ये वीडियो पहुँचा दी जाएगी। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो ये वर्क है, जो मेरा चैनल है, और वो आपकी हेल्प कर रहा होगा आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय एफर्ट्स, देन प्लीज़ प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मैक्सिमम माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स, सो दैट दे कैन आल्सो टेक द एडवांटेज ऑफ दिस एंड क्लियर हिज और हर कंसेप्ट इन ए सिंप्लीफाइड वे। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा काम आपको अच्छा लग रहा हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो प्लीज़ प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। धन्यवाद।